गृह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि ग्रीन जोन से ग्रीन जोन जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी। नरोत्तम ने कोरोना मरीजों को लेकर कहा कि अस्पताल से लगातार डिस्चार्ज रेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना चक्र तोड़ना जरूरी है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना को लेकर कहा कि यदि कोरोना चक्र नहीं तोड़ेंगे तो लंबा सफर तय करना पड़ेगा। फीवर क्लिनिक पर पहुंचाने के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने की जरूरत है। थोड़ी सी तकलीफ होने पर तत्काल अस्पताल जाएं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ग्रीन टू ग्रीन जोन में पास की आवश्यकता नहीं होगी, अपने स्वयं के वाहन से यात्रा की जा सकती है। रेड टू ग्रीन जोन में या ग्रीन टू रेड जोन में जाने के लिए पास की आवश्यकता रहेगी। बगैर पास से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। नरोत्तम ने मजदूरों को लेकर कहा कि अब तक 5,16,000 प्रवासी मजदूर प्रदेश में आ चुके हैं और दूसरे प्रदेशों के करीब 3.5 लाख मजदूरों को अपनी बसों से रवाना किया जा चुका है। जो जरूरी बात है, ग्रीन टू ग्रीन पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्रीन से ग्रीन में जाने पर भी वहाँ बाहर रोकते और पास मांगते। आपके माध्यम से सब पहुंच जाए, ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा। अभी इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी विचार होगा। अभी 3 दिन तो बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी सरकार को जो करना है, सरकार को जो करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं रख रही सरकार। लेकिन ये रोग ऐसा है कि इसमें सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, व्यक्ति को खुद को करना पड़ेगा। और बाबा रामदेव जी भी कहते हैं, करने से होता है। हमारे पास हमारा निःशुल्क चिकित्सा होनी चाहिए। निःशुल्क बेड होंगे, आईसीयू होगा, वेंटिलेटर होगा, आइसोलेटेड वार्ड होंगे, कोई कमी नहीं है सरकार की। लेकिन अगर कोरोना का चक्र आप नहीं तोड़ोगे तो हमें बहुत लंबा सफर करना पड़ेगा। मैंने जैसा पूर्व में आपसे कहा था, आज से 2 दिन पहले अगर मेरी बात आपको ध्यान हो, 2 दिन पहले मैंने कहा था कि हम बहुत तेजी से ठीक दिशा की ओर जा रहे हैं। अगर प्रवासी हमारे मजदूर भाइयों संक्रमित नहीं आए होते तो हमारा प्रदेश बहुत अच्छी स्थिति में होता। लेकिन फिर भी जैसे कल की रिपोर्ट देखोगे तो 189 लोग हमारे पास नए आए और डिस्चार्ज हुए 246, लगभग दुगने डिस्चार्ज हो गए। ऐसा ही मैंने शायद परसों आपसे कहा था। डेथ कुल दुखद डेथ निधन 2 हुआ कल, सिर्फ 2 का। परमपिता परमात्मा चाहेगा हो सकता है हम 0 तक लाएं, कोशिश में लगे हुए प्रयास जारी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।